Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing integration, indefinite integration, and I was telling you about two important forms. See, this is your form number one, and the next form that you'll find in these kind of questions would be of this sort: f dash x into fx whole raised to the power n, right, into dx. इस तरह की जो इंटीग्रेशन होते हैं ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन से डील करते हैं. अगर मैं यहाँ पे fx को t लूंगा तो f dash dx will be replaced by dt and hence आपके पास क्या आ जाएगा, log of fx आ जाएगा, natural log fx, ln fx आ जाएगा, ठीक है, plus c. Similarly, अगर आप यहाँ पे fx को c लेते हैं तो f dash x, fx को t लेते हैं तो f dash x dt से replace होगा और यहाँ पे तुम्हारे क्या होगा, t की पार n plus 1, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, fx raised to the power n plus 1 अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. सो ये दो फॉर्म्स हमें बहुत ध्यान से अप्लाई करने हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हमें कोशिश करनी है. बिकॉज देखो, इंटीग्रेशन कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होता नहीं है, उसमें तुम्हें उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास एफ डैश एक्स का फॉर्म होना ही चाहिए, तभी आप पीजे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, ठीक है. आओ चलो देखते हैं, लेट्स सी. लेट्स से मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, मुझे 2x plus 3 दिख रहा है. 2x plus 3 मुझे क्या बोलता है कि अगर मैं 2x plus 3 को डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान से देखो मैं इसको कैसे देख पाता हूँ. मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अच्छा 2x plus 3 है, ओके, यानी कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें 2 मिलना चाहिए, है ना, हमें 2 मिलना चाहिए और ऊपर एक x भी है, राइट, ऊपर एक x भी है. तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हालांकि 2 आ जाएगा, लेकिन x का क्या करेंगे, x तो चाहिए ही चाहिए. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप क्या करें, आप इसमें ना ऊपर 2x plus 3 क्रिएट करने का प्रयास करें. अब देखो कैसे क्रिएट करोगे, एक तरीका तो ये है जो बुक में आपको दिखता है, वो भी बताता हूँ और डायरेक्ट तरीका भी बताता हूँ. पहले बुक वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है. आप क्या करोगे, इस x plus 1 को, राइट, लिखोगे a टाइम्स 2x plus 3 plus b. बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, बस मुझे a और b की वैल्यू चाहिए. सो नो इश्यूज, यहाँ पे देखिए आपके पास कितना आ गया, ट्वाइस ए एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, ठीक है. इधर आपके पास कितना आया, x प्लस 1. यहां अगर मैं कोफिशियंट्स को कंपेयर करता हूं तो ट्वाइस ऑफ a को मैं किससे इक्वेट करूंगा, 1 से. यहां मुझे क्या पता लग गई, a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2. अब बात आती है सेकेंड के लिए, तो यहां मैं क्या लूंगा, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 1. a की वैल्यू यहां पे रखो, b ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3/2, ठीक है, 1 माइनस 3/2 विच इज -1/2. तो अब ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ. आई कैन राइट इट एज a, a कितना है मेरे पास, 1/2, राइट. ऊपर कितना लिया हमने, 2x plus 3. नीचे आपके पास अंडर रूट ऑफ 2x plus 3 है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2x plus 3 है. b कितना आ गया, -1/2, राइट, -1/2. और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज रहेगा, राइट, यहाँ पे आप dx लिख लो, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, व्हाट इज दैट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x plus 3. सो आई होप यू गेट दिस, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. कितना बचा बताओ, अब ये तुम्हारे पास 1/2, कोई टेंशन नहीं है. अब यहां पे तुम्हारे पास आ गया 2x plus 3 raised to the power 1/2 with respect to dx. और यहां अगर आप देख रहे हैं तो ये भी कोई टेंशन नहीं है, ये सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, वेरी मच इंटीग्रेबल, वेरी मच इंटीग्रेबल, -1/2 dx, इजिली इंटीग्रेबल, राइट. क्या बोलोगे, राइट, अभी fx अपॉन a वाला फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस 2 जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको तो एज इट इज रहने दे रहे हैं. 2x plus 3 n plus 1, plus 1 करूंगा कितना आएगा, 3/2 आएगा, अपॉन में भी 3/2 आएगा, ये 2 as it is है और अपॉन में 3/2, 3 इधर और 2 मैंने ऊपर रखा, ठीक है, यहां देखा मैंने तो ये कितना आ गया 2x plus 3. अच्छा एक चीज और भी है, यहां देखो मैंने a से डिवाइड नहीं किया, a कितना है मेरे पास, x का कोफिशिएंट व्हिच इज 2, तो ये वाली चीज हमें डिवाइड करनी भूलनी नहीं है, ठीक है, वी हैव टू बी केयरफुल. ओके, यहां कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2x plus 3 raised to the power -1/2 plus 1, यानी कितना, +1/2. अपॉन में किस किस से डिवाइड करूं, अपॉन में 1/2 लूंगा एक, है ना, n plus 1 का,
तो 1/2 का 1 नीचे और 2 ऊपर, एक 2 मेरे पास पहले से था, राइट, ये वाला 2 पहले से था, और एक ए वाला 2 आएगा, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमारे पास संभालने के लिए हैं, और लास्ट में प्लस सी करना तो कभी भी नहीं बोलना है। फाइनल आंसर हमें क्या लिखना चाहिए? वी शुड राइट 2x+3 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 6 माइनस 2x+3 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 2 प्लस सी। दैट्स ऑल। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। टेल मी यस और नो, जल्दी से बताओ। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग दिस फॉर्मेट, एक क्वेश्चन और ऐसा सिमिलर सा ले लेते हैं। लेट्स से आई डिस्कस दिस सिक्स्थ वन। मैंने क्या सजेस्ट किया, जो भी चीज तुम्हारे पास इंटीग्रेट करने में परेशानी है उसको तुम सब्स्टिट्यूट करोगे या उसके फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है मेरे पास, 3x+5। इस 3x+5 को मैं किस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, 7x+9 के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली बात है, साथ में मेरे पास कोई एक बी कांस्टेंट भी आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना और ए और बी की वैल्यू निकालना। ठीक है, आओ देखो, एलएचएस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। आरएचएस देखो कितना रह गया, 7ax+9 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, हमने ये वैल्यूज देखी। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 3 है, इसको आप किससे इक्वेट करोगे, 7a से। तो ए की वैल्यू बड़े आसानी से हमारे पास आ गई। कितनी आ गई बच्चों, इट इज 3/7। सिमिलरली अब यहां सब्सटीट्यूट करोगे, व्हाट इज दैट, 9a+b इज इक्वल टू कितना, 5। ए की वैल्यू यहां पे रखो, बी आ गया, बी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 9 3 का कितना लिखूं, 27/7 लिख दूं क्या? ठीक है, 27/7 लिख देता हूँ। सब्सट्रैक्ट किया बेटा, कितना आ गया, ये हमारा हो जाएगा 35। 35 में से अगर मैं 7 सब्सट्रैक्ट करूं, 35 माइनस 27, मेरे ख्याल से 8/7 हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाना चाहिए, 8/7 हो जाएगी। 35 में से अगर 27 हटाएंगे तो मेरे ख्याल से 8 हो जाना चाहिए। तो बी मेरे पास 8/7 आ रहा है पॉजिटिव का, और ए आ रहा है मेरे पास 3/7। परफेक्ट, काम खत्म हो गया ना। अब देखो, अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन, अब जो देखो इंटीग्रेशन से पहले इसका जो अलजेब्रा वाला पार्ट है उसको तुम अगर सही तरीके से आसानी से डील कर लेते हो तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, राइट। देखिए, अब ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, इट वॉज 3x+5 अपॉन √7x+9। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हमने कैसे एक्सप्रेस करा है, 7 into a 7 7x+9। तो ये जब मैं a into a कितना मेरे पास 3/7, राइट, आराम से देखना, 3/7 into exactly the same thing जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है, which is 7x+9। ठीक है, इसी से मैं इसको डिवाइड करूंगा 7x+9 से। ठीक है, और साथ में मेरे पास प्लस b आएगा, तो b कितना आ गया बच्चों, 8/7, राइट। 8/7 तो कांस्टेंट है, वी कैन कीप इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड हियर वी हैव 7x+9। तो अब दिस इज 100% इंटीग्रेबल फॉर्मेट, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, है ना। फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेस आउट, यू नो, यू डोंट मेस अप विद एनी स्टेप। तो देखो, ये तुम्हारे पास 3/7 रहा, दिस इज 7x/9 रेज टू द पावर 1/2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ आपके पास 8/7 है, दिस इज वॉट, दिस इज 7x+9 रेज टू दी पार -1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेट करो, 3/7 कांस्टेंट है, कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ कितना आएगा बताओ, 7x+9 1/2 + 1, यानी कितना, 3/2। सेम चीज आपके पास नीचे भी आती है 3/2, तो 3 नीचे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर, ऊपर, तो इंटू 2 ऊपर। और किससे डिवाइड करना नहीं भूलना है, ए एक्स, यानी कि ए से, एक्स का जो भी कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट कितना है, 7, 7 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। यहां देखा मैंने, अगेन 8/7 को एज इट इज रखा, यहां कितना हो जाएगा, 7x+9 -1/2 + 1, कितना आ जाएगा बच्चों, +1/2, डिवाइडेड बाई हाफ करूंगा तो 1 आएगा नीचे और ऊपर इंटू 2 आएगा। और किससे डिवाइड करूं, कोफिशियंट ऑफ एक्स विच इज 7। ठीक है, साथ में प्लस सी करना आप नहीं भूलेंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो भी चीजें कैंसिल हो रही कैंसिल करो, ऊपर एक 2 मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है और नीचे 7 7 49 दिख रहा है। ठीक है, एंड दिस इज 7x+9 रेज टू द पावर
3 by 2. यहां अगर हम देखें तो ये मेरे पास 16 upon 49 आता हुआ दिखता है, और ये कितना हो जाएगा बेटा 7x plus 9 raised to the power 1 by 2 plus 3. ठीक है, अभी बताओ, is it understood now? Tell me yes or no. Okay, now let's discuss. अगर ये under root ऊपर आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो भी बहुत टेंशन नहीं लेनी है, करना वही है, अभी भी वही करना है. जो भी चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारे पास, जो अंडर रूट के बाहर है, जो सिंपल है, लीनियर है, उसको बस तुम्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना है. यानी ये जो 5x plus 3 है ना, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करना चाहूंगा, a टाइम्स जो भी मुश्किल था, मुश्किल क्या था, ये 2x minus 1 अंडर रूट के अंदर इस फॉर्म में ले आऊंगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या टेंशन है. ठीक है, साथ में कुछ ऐसा b वगैरह आएगा तो कोई बात नहीं, अगेन प्रोसेस तो सेम ही है. x का कोएफिशिएंट कितना है, ट्वाइस ऑफ a into x, कांस्टेंट टर्म कैसा दिख रहा है, b minus a दिख रहा है ना. ठीक है, इधर अपने पास 5x plus 3 है, लेट्स इक्वेट द कोएफिशिएंट्स. सो 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, यू कैन इजीली से a इज 5 by 2, राइट. एंड नाउ इक्वेट द अदर थिंग, यहां पे b minus a, a की जगह पे 5 by 2 मैं रख देता हूं यहीं पे, दैट्स इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2.5 ऐड करेंगे तो 5.5, यानी कि 11 by 2 हो जाएगा. ठीक है, कितना होगा 11 by 2. ए और बी की वैल्यू आ गई. अब ये जो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन था, दिस बिकम्स वेरी सिंपल. देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट इन द इनिशियल स्टेजेस यू आर नॉट डूइंग एनी सिली मिस्टेक. ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दे रहा हूँ आपको. आइए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं. सो 5x plus 3 को मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ. अपने पास ए और बी की वैल्यू है, ए कितना है 5 by 2, ध्यान से देखना, दिस इज 5 by 2 into 2x minus 1 plus 11 by 2. ठीक है, आओ इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. ठीक है, बाहर आपके पास ये 2x minus 1 as it is बना हुआ है. समझ में आ गई बात, ये जो 5x plus 3 था इसको हमने a 2x minus 1 plus b के फॉर्म में लिख लिया, a और b की वैल्यू आ चुकी है. नाउ हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट यू, इससे क्या फायदा हुआ. अब देखो जब तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 by 2 तो चलो कोई टेंशन ही नहीं है, कांस्टेंट इज नेवर अ टेंशन. और ये जो 2x minus 1 है, 2x minus 1 है, यहाँ पे पार 1 है, यहाँ पे पार 1 by 2 है, क्या हो जाएंगी, पार्स ऐड हो जाएंगी. सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 2x minus 1 raised to the power 3 by 2 with respect to what, dx. और जब 11 by 2 से करोगे तो और भी अच्छी बात है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो 11 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 1 the power is what 1 by 2 with respect to dx. ठीक है, तो बड़े आसानी से you reach the answer. आइए let's say इसको मैं i कह लेता हूँ, क्या कहता हूँ भाई, i कह लेता हूँ. ठीक है, इस expression को i कह लेते हैं. okay, तो i अपने पास कितनी आ गई, 5 by 2, सीधा integrate करने की बारी आ गई. अब तो 5 by 2 constant है, 2x minus 1 as it is मैंने रखा, linear expression है, कोई tension नहीं है. power 3 by 2 plus 1, 3 by 2 plus 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 by 2 हो जाएगा. अपॉन में 5 by 2 करोगे तो 5 नीचे और 2 ऊपर, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मत भूलना कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास, 2. ठीक है, प्लस साइन के साथ 11 by 2 as it is रखा. नाउ 2x minus 1 पार कितनी है, 1 by 2, 1 by 2 plus 1 is what, it is 3 by 2. ठीक है, 3 by 2 अपॉन 3 by 2, so 3 by 2. एक और क्या नहीं भूलना है, x का कोफिशिएंट, that is 2. जो भी चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो एंड राइट द फाइनल आंसर. राइट, आई थिंक द फाइनल आंसर शुड बी, ये 5 भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, तो द फाइनल आंसर मस्ट बी 2x minus 1 raised to the power 5 by 2 upon 2 plus this is 11 upon 6. ओके, 2x minus 1 raised to the power 3 by 2 plus c. ठीक है, so I hope you get it. Give me a yes or no in the chat box. Yes. So when we move towards this 10th question, right? कभी भी जब under root में ना denominator में कुछ भी इस तरह के expressions होते हैं, so the first thing that comes to my mind is to rationalize it, right? I want to rationalize this. तो अगर मैं इस expression को, हमेशा जो इसका algebra वाला part है, मैं उसको पहले deal करता हूँ, ठीक है? So, ये एक्सप्रेशन कितना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस a माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस b. ठीक है,
ए माइनस बी का फॉर्म है, ऊपर नीचे ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे, ए कितना दिख रहा है मुझे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, एंड बी कितना दिख रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, तो ऊपर नीचे मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई करा, ठीक है बच्चों, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ओके। एंड द मोमेंट इट इज डन, उसके बाद तो कुछ रह नहीं गया, ऊपर देखो तुम्हारे पास कितना आ गया, ऊपर तो ये एक्स रह गया और यहाँ आपके पास ब्रैकेट में ये एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी रह गया, ठीक है। और अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी बताइए, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर क्या देगा आपको एक्स प्लस ए देगा, और माइनस बी स्क्वायर क्या देगा माइनस एक्स माइनस बी देगा, ये एक्स वाली चीज तो गई, नीचे आपके पास बचा सिर्फ ए माइनस बी, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, एनी कॉन्स्टेंट इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज ऑलवेज अ मोस्ट वेलकम थिंग, ठीक है, बड़ी अच्छी बात होती है। तो देखो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन जो तुम्हें इंटीग्रेट करना है ये अब काफी इजी हो गया, ये अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज 1 बाई टू एंड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस बी, है ना, इसको भी 1 बाई टू लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं है, मैंने अंडर रूट लिख दिया, दैट्स ऑल द सेम। नीचे आपके पास कितना आ रहा है ए माइनस बी आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब बात आती है इसको आगे इंटीग्रेट कैसे करें, तो चलो सोचते हैं, राइट, आराम से सोचते हैं, क्या हमने ऐसा डील नहीं किया, क्या सोचने की बात तो ये है, तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर मैं इसको आई बोलता हूँ तो अभी अपना आई सिंप्लीफाइड वर्जन कितना आ गया, अपना आई ये सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, वन अपॉन ए माइनस बी को बाहर रख दूं क्या, वन अपॉन ए माइनस बी जो कांस्टेंट है इसको बाहर रखते हैं, ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन पे किसी भी तरीके का कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट डालते ही नहीं, कांस्टेंट के बारे में यही सबसे अच्छी बात होती है। और अब अगर तुम इंटीग्रेशन के ये जो तुम्हारे पास टर्म्स रह गए, अगर आप इसको देखो तो एक है एक्स और एक है एक्स प्लस ए, तो मैं सीधा ही इसको एक्स प्लस ए माइनस ए करके लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो, राइट, और ये वाली चीज तुम्हारे पास एक्स प्लस ए अंडर रूट के अंदर एज इट इज बनी हुई है, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन, राइट, सेकेंड एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ये कंप्लीट बाहर है ए माइनस बी, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन अगर मैं देखता हूँ तो इसी तरीके से मैं x को कैसे लिखना चाहता हूँ, x प्लस बी माइनस बी, और यहां आपके पास अंडर रूट के अंदर x प्लस बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। इससे क्या बेनिफिट है, अब मैं फिर से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस बी जो प्रॉब्लमेटिक था दैट वी हैव डेल्ट, वो चीज आपने आसानी से डील कर लिया, राइट, वन अपॉन ए माइनस बी एज इट इज बाहर आ गया। यहां अगर आप देखें तो आपके पास x प्लस ए और x प्लस ए जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा, तुम्हारे पास रह जाएगा x प्लस ए की पावर 3 बाय 2, राइट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, dx, माइनस ए इनटू दिस, माइनस ए इज अगेन मोस्ट वेलकम, राइट, माइनस ए इज ऑलवेज व्हाट, मोस्ट वेलकम, x रेज टू द पावर 1 बाय 2 dx। सिमिलरली यहां पे भी आप इसको डील करेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस बी की पावर 3 बाई टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, और माइनस बी से जब इसको डील करते हैं तो यहां भी क्या आने जा रहा है, अंडर रूट ऑफ x प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है बट मुश्किल नहीं है, देयर सी देयर आर टू थिंग्स, पहली चीज होती है कि यहाँ भी क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो वो क्वेश्चन मुश्किल है, बट हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ की थोड़ा लेंदी हम लोग करके और आसानी से इजी स्टेप के साथ ही उसको फॉलो कर लेते हैं। तो यस, दिस क्वेश्चन इज गॉट अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, बट यस दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो पीछे, इसमें बस एक स्टेप आपके पास एक्स्ट्रा था, वो क्या था, आपको रैशनलाइज करना पड़ा, दैट्स ऑल, ठीक है। क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, सोचेंगे, देखेंगे, कोई और तरीका भी देखेंगे, अगर कोई और बेटर हम शॉर्टर मेथड ढूंढ सकते हैं तो विल टॉक अबाउट दैट, नो इश्यूज। तो देखिए मैं इसका फाइनल आंसर क्या बोलूंगा, a माइनस बी एज इट इज मेरे पास कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए रेज टू दी पावर 3/2 + 1 विच इज 5/2 अपॉन 5/2, सो 5 इधर और 2 इधर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास माइनस ए एज इट इज रह जाएगा 1/2 + 1 इज व्हाट 3/2, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x प्लस ए और इसकी पावर कितनी आ गई मेरे पास 3/2, ठीक है, 3/2 अपॉन में मैं 3 रखूंगा और यहाँ पे 2 रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये चीज कितनी हो जाएगी प्लस के साथ,
x plus b raised to the power 5 by 2 upon 5 by 2. Okay, to 5 by 2. And what is the final thing? It is twice of b, x plus b raised to the power 3 by 2 upon 3 by 2. 2 मैंने पहले लिख दिया. ठीक है, सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. बताओ अगर ये बात समझ में आती है तो जल्दी से बताओ.